myself mrdul kumar jain from abes Engineering college today we will discuss about the histogram and its elements Histogram diagram ka jo representation hai wo hai poset ke liye poset mujhe pata hai poset means partial order relation partial order relation ek relation jo hai wo mera partial order relation कब होगा जब वो मेरी रिफ्लेक्सिबिलिटी एंटीसिमेट्रिक और transitivity की property को fulfill करेगा ठीक है तो एक रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव कब होगा तो उसके लिए सपोज़ करो कि मेरे पास एक सेट एस है जिसमें ये सपोज़ करो वन टू थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं तो जब रिफ्लेक्सिव है तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस अगर एक सेट मेरा एस है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए मेरे पास ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए अगर एस इजिकल टू वन टू थ्री है तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए वन कॉमा वन टू कॉमा टू और थ्री कॉमा थ्री ये एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए मिनिमम uh, रिक्वायरमेंट है इसके अलावा मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अलावा तब भी रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा दूसरा क्या है एंटीसीमेट्रिक एंटीसीमेट्रिक के लिए क्या चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी क्या अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस टाइप के दो को एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास ये मल्टीपल पेयर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं और उसमें दो इस टाइप के कोई भी पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए तो मेरी कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए ए कॉमा ए इक्वल टू बी इसको और एक तरीके से कैसे समझा जा सकता है क्योंकि ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ये दोनों वैल्यू केवल मेरी तभी सेम हो सकती हैं जब कोई भी एक मेरे पास रिलेशन लिखा हुआ है और उस रिलेशन को अगर सपोज करूं मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ और ये वन टू थ्री ये वन टू थ्री सेट के एलिमेंट्स हैं इसको मैंने रो और कॉलम दोनों में लिखा यहाँ पर जो एलिमेंट मिलेगा वो मुझे कौन सा मिलेगा वन कॉमा वन ये वन कॉमा टू ये वन कॉमा थ्री यहाँ पर टू कॉमा वन टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री टू कॉमा थ्री पर थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा टू और थ्री कॉमा थ्री ये एलिमेंट्स मुझे इस टाइप से मिलते हैं यहाँ पर इस मैट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से ये समझा जा सकता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में डायगोनल पेयर हो सकते हैं जबकि ये भी इमेज पेयर हैं वन कॉमा वन की इमेज क्या है वन कॉमा वन टू कॉमा टू की इमेज क्या है टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री की इमेज क्या है थ्री कॉमा थ्री तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में केबल इमेज पेयर मेरे ये डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल हैं इसके अलावा मैं कहूँ कि वन कॉमा टू की इमेज जो है वो टू कॉमा वन है ये मेरे सिमेट्रिक रिलेशन में ये इमेज पेयर एग्जिस्ट कर सकता है तो इस टाइप के इमेज पेयर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि उस कंडीशन में वन कॉमा टू और टू कॉमा वन केस में एक्वल टू बी जो है ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी ठीक है तो सिमेट्रिक रिलेशन में जो इमेज पेयर मेरे एग्जिस्ट कर सकते हैं वो केबल और केबल कौन से हो सकते हैं डायगनल एलिमेंट थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसिटिव रिलेशन की है और ट्रांसिटिव रिलेशन कहता है कि अगर ए ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन मेरा सी से होना चाहिए ठीक है इस टाइप के जितने भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के हैं उन सभी के लिए ए कॉमस सी एग्जिस्ट करना चाहिए दैट मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड से है और सेकंड एलिमेंट का ही रिलेशन किसी थर्ड एलिमेंट से है तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का रिलेशन मेरे पास होना चाहिए ठीक है तो ये मेरी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है अब यहां पे जो मेरे ये पार्शियल ऑर्डर सेट है इसी चीज को मुझे रिप्रेजेंट कर इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ठीक है तो एक तो मेरा तरीका ये है कि मैं इस रिलेशन को एक डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूँ वो भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है लेकिन हैश डायग्राम उससे भी कुछ डिफरेंट है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं क्या अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिलेशन जो मेरा रिफ्लेक्सिव है तो अगर मैं उसको डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उस उसमें मुझे जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा एक सेल्फ लूप लगाना पड़ेगा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सेल्फ लूप लगाना पड़ेगा तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राफ में जितने भी मेरे पास नोट्स हैं और ये सेल्फ लूप है अगर अगर सपोज करो मेरे पास थ्री एलिमेंट बन वन टू थ्री हैं और तीनों एलिमेंट पे मेरे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है तो मैं डायरेक्ट डायग्राफ को देख के बता दूंगा कि ये जो रिलेशन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है अगर वहाँ पर ही तो इसका मतलब क्या हुआ अगर ट्रांजिटिविटी के लिए मैं क्या चीज चेक करूंगा अगर एक रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है तो मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मैं ए का रिलेशन बी से है ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन जो है वो मेरा सी से है तो ए का रिलेशन जो है वो सी से होना चाहिए ए का रिलेशन जो है वो सी से होना चाहिए ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो मेरी ये है ठीक है एंटीसीमेट्रिक uh, की प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए ए का रिलेशन बी से होना चाहिए लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे जब मेरी ये थ्री प्रॉपर्टी है पोसेट के लिए ये थ्री प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और मुझे ऑलरेडी पता है क्या ये थ्री प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं उसी के लिए मुझे हैश डायग्राम बनाना है ठीक है तो दैट मीन्स कि वो वो ऑलरेडी एक पोसेट है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को एंटीसीमेट्रिक प्रॉपर्टी को ट्रांसिटी प्रॉपर्टी को, को होल्ड कर रहा है तो उस को मुझे जब मैं हैश डायग्राम में चेंज करूँगा तो उसके कुछ हम रूल्स बनाएंगे क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले जो भी मेरे सेल्फ लूप्स हैं जितने भी नोड्स हैं उन पर जो सेल्फ लूप है मैं उसे रिमूव कर दूंगा क्योंकि तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी नोड हैं और जितने भी मेरे पास सेट के एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेल्फ लूप है और सेल्फ लूप को मैं रिमूव कर दूंगा दूसरा क्या करूंगा मैं कि मुझे यह भी पता है कि वो उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं जब ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो मैं क्या मैं क्या कहता हूं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है ये चीज़ है ही तो मैं क्या करूंगा इस ट्रांजिटिव एज को जो मेरी एक्स्ट्रा एज है मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा थर्ड वाली चीज़ क्या है कि जब मैं ये कहता हूं कि मेरा रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है एंटीसीमेट्रिक है इसका मतलब दो एलिमेंट हैं जिसमें मैं कहता हूं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है ऐसा उसमें एलिमेंट इमेज पेयर मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो दैट कि वहां पे जो मैं रिलेशन को जब मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो ए एक लेबल जो है वो नीचे होगा और बी का लेबल जो है वो ऊपर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दो एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर दो एलिमेंट को मैं कंपेयर कर पा रहा हूं तो ये जो अगर मैं हैश डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके लेबल जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए तो एक चीज तो मुझे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो मेरा हैश डायग्राम में जो मैं टेक्निक यूज करूंगा वो कौन सी करूंगा बॉटम अप अप्रोच यूज करूंगा बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट करूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट एलिमेंट को मैं लोएस्ट लेवल पर रखूंगा और मैक्सिमम वाला जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको मैं टॉप लेवल पर रखूंगा और मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा इस डायग्राम को कि जब भी मैं दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं तो उनके लेवल मुझे अलग अलग दिखाई देने चाहिए जो भी एलिमेंट्स मेरे कंपेरेबल हैं उनके लेवल भी मुझे अलग अलग दिखाई देने चाहिए जब मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा ठीक है तो जब मैं कह रहा हूं कि मुझे रिफ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा सेल्फ लूप को रिमूव करूंगा जब मैं कहूंगा कि ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो एक थर्ड एज जो है एक्स्ट्रा है उसे रिमूव करूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्शन को रिमूव कर दूंगा क्योंकि जितनी भी जो भी डायरेक्शन है जो भी मेरे रिलेशन जो भी इमेज पेयर है जो भी मेरी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको मैं बॉटम टू टॉप डिज़ाइन कर रहा हूँ ठीक है तो इसमें जितने भी एरोसाइन मुझे दिखाई देने चाहिए वो हमेशा बॉटम से लेकर टॉप तक होने चाहिए और उनको एरोसाइन को मैं रिमूव कर दूँगा अगर ये सारी चीज़ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टूड हैं कि अगर मेरा रिलेशन ऑलरेडी रिलेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो इसके करोस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास रिडेंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रिमूव कर दूंगा उसके बाद जो मेरे पास डायग्राम बचेगा उसको मैं कहता हूं कि वो मेरे पास डायग्राम जो है वो क्या है हैश डायग्राम है तो एक एक रिलेशन एक रिलेशन के करोस्पॉन्डिंग मैंने एक डाइग्राफ बनाया एक रिलेशन के करोस्पॉन्डिंग एक मैंने पोसेट बनाया और पोसेट के करोस्पॉन्डिंग मैंने एक डाइग्राफ बनाया और डायग्राफ को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हैश डायग्राम में इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है थ्री फोर फाइव सिक्स सेट के एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं थ्री फोर फाइव सिक्स और जो रिलेशन है वो मेरे पास कौन सा है लेस देन इक्वल टू का ठीक है तो यहां पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा रिलेशन क्या है सेट के एलिमेंट्स है रिलेशन है तो रिलेशन में कौन कौन से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे पहले मुझे वो लिखने पड़ेंगे तो यहां पर देखो यहां पे वो सारे pairs मैंने लिखे 3 is, 3 is less than equal to 4, जैसे पहले सबसे पहले 3 को uh, consider किया सबसे पहले 3 को लिया थ्री के करोस्पॉडिंग जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास बन सकते हैं उन सबको लिखा थ्री इज लेस फोर थ्री इज लेसाइव थ्री इज लेसिक्स थ्री का कंपेरिजन सभी से हो गया उसके बाद फोर से किया मैंने फोर इज लेस देस देन सिक्स फोर का कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने फाइव को कंपेयर किया फाइव इज लेस देन सिक्स और जितने भी मेरे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं थ्री फोर फाइव सिक्स इन सभी के लिए मैं लिख सकता हूँ कि थ्री इज लेस देन एंड इक्वल टू थ्री फोर इज लेस देन एंड इक्वल टू फोर फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव और सिक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स तो यहाँ पे ये जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे आ गए इस सेट के अकॉर्डिंग और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो अब मेरे पास इस रिलेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक डायग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो यहाँ पे देखो कि थ्री फोर है वो मेरी ये एज है थ्री फाइव ये है थ्री सिक्स थ्री सिक्स ये है फोर फाइव फोर फाइव ये है फोर सिक्स फाइव सिक्स और ये थ्री थ्री जो है वो ये है फोर फोर ये है फाइव फाइव ये है और सिक्स सिक्स ये है ये सेल्फ यू जितने भी बर्टेक्स है उस पर क्योंकि जो अगर रिलेशन जो वन का रिलेशन वन से है या फाइव का रिलेशन फाइव से है तो ये इस पर क्या आएगा एक सेल्फ लूप आएगा सिक्स का रिलेशन सिक्स से है फोर का रिलेशन फोर से है और थ्री का रिलेशन फोर से है या मैं कहूँ थ्री इज लेस इक्वल टू थ्री है फोर इज लेस देन एंड इक्वल टू फोर है और सिक्स इज लेस एंड इक्वल टू सिक्स है ठीक है तो अब इस डायग्राफ को मुझे रिप्रेजेंट करना है एक हैश डायग्राम में है. तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे पता है कि एक रिलेशन जो already है, तो ये relation जो है वो already है, ये already हम एक class lecture में देख चुके तो रिफ्लेक्सिव है? है, तो तो की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है अगर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो ये अंडरस्टूड मान के कि ये मेरे पास रिटेंडेंट इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मैं क्या करूंगा जो भी मेरे पास डायग्राफ है उसमें सेल्फ लूप को रिमूव कर दूंगा जब मैं सेल्फ लूप को मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे से ये सेल्फ लूप रिमूव कर दिया ये रिमूव कर दिया ये रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर दिया ये चारों सेल्फ लूप मैंने रिमूव कर दिया इसके बाद मैं देखूंगा कि ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव एज मेरी कौन सी आ रही है सबसे उसके बाद मैं उसे रिमूव करूंगा तो यहाँ पे देखो आप कि थ्री का रिलेशन फोर से है और फोर का रिलेशन सिक्स से है तो ये थ्री फाइव जो मेरी एज है वो कौन सी हुई क्योंकि थ्री का रिलेशन फोर से है और फोर का रिलेशन जो है वो सिक्स से है तो सबसे पहले थ्री सिक्स जो है वो मेरी एक रिडेंडेंट एज है सिमिलरली थ्री का रिलेशन फोर से है और फोर का रिलेशन फाइव से है तो थ्री का रिलेशन जो है वो फाइव से भी होगा एक मेरे पास ये रिडेंडेंट एज है तो इसको मैं क्या करूँगा इसको मैं रिमूव कर दूंगा जब ये रिमूव कर और इसके अलावा देखते हैं कि को, कोई सी मेरे पास एक्स्ट्रा एज है थ्री का रिलेशन ये फोर फाइव से मैंने कंपेयर कर लिया फोर सिक्स से कर लिया इसके बाद फोर का रिलेशन फाइव से है और फाइव का रिलेशन सिक्स से है फोर का रिलेशन फाइव से है और फाइव का रिलेशन सिक्स से है तो फोर का रिलेशन सिक्स से होना चाहिए तो ये एक मेरे पास रिडेंडेंट एज आ गई और सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास सेल्फ लूप थे इनको तो मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी ट्रांजिटिव एज थी मुझे उसे रिमूव करना है तो थ्री थ्री का रिलेशन फोर थ्री का रिलेशन जो है वो फाइव से है ये रिडेंडेंट एज है तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा ये मेरी एज रिमूव हो जाएगी और इसके अलावा थ्री का रिलेशन सिक्स से है ये एज जो है वो मेरी रिमूव होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये एज जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा और कौन सी एज मेरी रिमूव हो जाएगी फोर का रिलेशन सिक्स से है ये एक एज जो है वो मेरी रिमूव हो जाएगी ठीक है तो मेरे पास कौन कौन से पेयर रह गए एक थ्री का रिलेशन फोर से है ये रह गया फोर का रिलेशन फाइव से है ये रह गया

जो मेरा रिलेशन है वो लेस देन एंड इक्वल टू का है तो उसके करोस्पॉन्डिंग थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर है तो वहां पर ये डायग्राम जो है वो मेरा किस टाइप का आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा कि मैं ये कहूँगा कि ये एलिमेंट थ्री है और ये एलिमेंट फोर है और तो उसका डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बताऊँगा और मैं कहूँगा थ्री इज रिलेटेड टू फोर इसके अलावा मेरे पास कौन सा एलिमेंट बच जाता है फोर इज़ रिलेटेड टू फाइव तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब भी मैं दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ या रिलेशन में जो लिखा हुआ है और उनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ठीक है उनका कंपेरिजन है जैसे थ्री का रिलेशन फोर से है और फोर का रिलेशन फाइव से है तो उनके दो नंबर के लेबल जो है वो अलग अलग होने चाहिए तो फोर और फाइव को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा फोर ये आ गया और फाइव का रिलेशन ये है और फोर का रिलेशन फाइव से है वो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इसके अलावा मेरे पास क्या रह जाता है फाइव का रिलेशन सिक्स से है तो फाइव का रिलेशन जो है वो सिक्स से है वो कुछ इस टाइप का आएगा कि फाइव का रिलेशन जो है वो सिक्स से है तो जो मेरे पास फाइनल जो एज रह जाती हैं वो ये थ्री एजेस रह जाती हैं उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हमने बॉटम अप स्ट्रेटजी यूज की है लोएस्ट नंबर जो है वो मेरा सबसे नीचे आना चाहिए और हाईएस्ट नंबर जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए और उ, उ, उनके बीच में जो भी रिलेशन हैं उसको मैं इस तरीके से एज से रिप्रेजेंट करता रहूंगा ठीक है अब फाइनली मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे डायरेक्शन की साइन है उसे रिमूव करना है और जो मेरे नोट्स हैं उसको मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा जो भी मेरे नोट्स हैं जो थ्री फोर फाइव सिक्स ये फोर नोट्स हैं इनको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा डॉट से और अपर क्योंकि जो डायरेक्शन है वो मेरी हमेशा अपबर्ड है ये भी ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि ए का रिलेशन बी से है और ए का रिलेशन बी से है तो उसकी डायरेक्शन क्या है अपबर्ड डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन को भी मैं रिमूव कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास जो फिगर बन के रह जाएगा वो क्या रह जाएगा कि थ्री का रिलेशन फोर से है फोर का रिलेशन फाइव से है और फाइव का रिलेशन जो है वो किससे है सिक्स से तो फाइनल जो डायग्राम है वो मेरा ये डायग्राम है हेस्ट डायग्राम जो है वो ये है इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो मेरा ये डायग्राम बन रहा है ये जो मेरा डायग्राम है कि ये मेरा यहाँ पर ये थ्री है ठीक है थ्री का रिलेशन जो है वो फोर से है फोर का थ्री का रिलेशन फोर से है थ्री का रिलेशन जो है वो फोर से है फोर का फाइव से और फाइव का सिक्स से रिलेशन है इस तरीके से ये फाइनल डायग्राम जो है वो मेरा ये बनकर आएगा ठीक है एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसे कि यहां पर ये जो एग्जाम्पल है वो डिविजिबिलिटी के लिए है कि पहले मैं एक रिलेशन बनाऊंगा डिविजिबिलिटी के लिए वो डी ट्वेल्व है डी ट्वेल्व का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या है कि यहां पर आई हैव आई हैव नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेल्व और मुझे इस सेट में केवल वही एलिमेंट्स रखने हैं दैट कैन डिवाइड ट्वेल्व जो ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हैं तो वन जो है वो ट्वेल्व को डिवाइड कर सकता है टू डिवाइड कर सकता है थ्री कर सकता है फोर कर सकता है सिक्स कर सकता है एंड ट्वेल्व कैन डिवाइड ट्वेल्व ये नंबर्स जो हैं वो के, केवल वन से लेकर ट्वेल्व के बीच में यही नंबर्स हैं जो मेरे ट्वेल्व को डिवाइड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग अब मुझे क्या बनाना है एक रिलेशन बनाना है रिलेशन जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा क्या है कि मुझे ये कंडीशन मेरी फुलफिल करनी चाहिए जो मेरे पास सेट के एलिमेंट्स जो ये सिक्स सेट के एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास रिलेशन है और इसके अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हुए कौन कौन से ऑर्डर पेयर मेरे पास हो सकते हैं तो मैं कहूंगा कि वन कैन डिवाइड टू वन कैन डिवाइड थ्री वन कैन डिवाइड फोर वन कैन डिवाइड सिक्स वन कैन डिवाइड ट्वेल्व वन जो है वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा ठीक है इसके बाद टू टू कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है टू कैन डिवाइड फोर टू डिवाइड सिक्स टू कैन डिवाइड ट्वेल्व थ्री कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा थ्री कैन डिवाइड कैन डिवाइड ट्वेल्व फोर कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा फोर डिवाइड ट्वेल्व फाइव जो है वो ट्वेल्व को किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करेगा तो वो नहीं आएगा इसके बाद कौन सा आएगा सिक्स कैन डिवाइड ट्वेल्व और जितने भी सेल्फ नंबर्स हैं वो तो खुद को अपने को डिवाइड कर ही सकते हैं जैसे वन कैन डिवाइड टू थ्री डिवाइड थ्री कैन डिवाइड फोर फाइव कैन डिवाइड फाइव सिक्स कैन डिवाइड सिक्स और ट्वेल्व कैन डिवाइड ट्वेल्व ठीक है तो ये मेरे पास क्या आ गया रिलेशन आ गया इस रिलेशन में मुझे सबसे पहले क्या काम करना है अगर मुझे इस रिलेशन को के कोस्पॉन्डिंग हैश डायग्राम बनाना है तो कौन कौन सी रिडेंडेंट जो भी रिडेंडेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रिमूव करूंगा रिमूव में सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी को रिमूव करता हूं तो उसमें जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर्स हैं उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा तो उसमें जितने भी मेरे पास वन कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री फोर कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव सिक्स कॉमो सिक्स ट्वेल्व कॉमर ट्वेल्व इन सबको मैं क्या कर दूंगा सबको डिलीट कर दूंगा इस रिलेशन से ठीक है इसके बाद मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं मेरे कि ए का रिलेशन बी से है बी का सी से है तो ए कॉमो सी टाइप की जितनी भी एजेस हैं उन सबको मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर देखो कि वन का रिलेशन टू से है और टू का रिलेशन जो है वो फोर से है तो वन कॉमो फोर जो है वो मेरी रिडेंडेंट एज है बन का रिलेशन टू से है और टू का रिलेशन जो है वो सिक्स से भी है तो बन का रिलेशन सिक्स से होना चाहिए ये मेरी ट्रांजिटिव एज है 1 का रिलेशन से है और टू का रिलेशन से है टन कॉमर ट्वेल्व जो है वो भी मेरी कैसी है रिडंडेंट एज है ठीक है इसके अलावा फिर मैं देखूंगा टू का रिलेशन फोर से है और फोर का रिलेशन जो है वो यहां पर है ट्वेल्व से तो इसका मतलब टू का ट्वेल्व से होना चाहिए तो ये रिडंडेंट एज है मेरे टू का रिलेशन फोर से है और फोर का किसी से है नहीं है ठीक है इसके अलावा मैं चेक करूंगा फिर टू का रिलेशन सिक्स से है और सिक्स का रिलेशन ट्वेल्व से है तो टू का रिलेशन ट्वेल्व से भी होना चाहिए वो ऑलरेडी मैं यहां पर नोट कर चुका हूं ठीक है इसके बाद मैं यहां पर चेक करूंगा कि थ्री का रिलेशन जो है थ्री का रिलेशन सिक्स से है और सिक्स का रिलेशन ट्वेल्व से है तो थ्री का रिलेशन ट्वेल्व से होना चाहिए तो वो मेरी ये एक रिडेंडेंट एज है तो जो भी मेरी और के इसके अलावा मेरी कोई और रिडेंडेंट एज नहीं है मुझे सारी चेक करनी है इसमें तो वो इस रिडेंडेंट एज को भी मैं क्या करूँगा रिमूव कर दूंगा जब मैं इस रिडेंडेंट एज को रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये जो मेरे पास रिडेंडेंट एज का सेट जो है वो ये है तो मैं इनको भी रिमूव कर दूंगा इसके बाद जो मेरे पास फाइनल पेयर रह जाएंगे वो किस तरीके से रह जाएंगे उसके क्रॉस पड़ेगा मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं कि सबसे सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा है वो वन है वन जो है वो कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है जो मेरे पास बचे हुए पेयर रह गए हैं मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा तो वन जो है वो टू को डिवाइड कर सकता है वन जो है वो मेरा टू को डिवाइड कर रहा है और वन जो है वो मेरा थ्री को डिवाइड कर रहा है वन जो है वो मेरा थ्री को डिवाइड कर रहा है ठीक है इसके अलावा टू जो है वो फोर को डिवाइड कर रहा है तो एक एज मेरी ये आएगी टू जो है वो फोर को डिवाइड कर रहा है और टू जो है वो सिक्स को भी डिवाइड कर रहा है और थ्री भी सिक्स को डिवाइड कर रहा है तो थ्री जो सिक्स को डिवाइड कर रहा है तो वो मेरी ये एज आएगी और टू जो सिक्स को डिवाइड कर रहा है उसके करोस्पॉन्डिंग मेरी ये एज आएगी यहाँ पर ये आप हमेशा देखते रहना कि जो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो भी चीज़ मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ वो मेरे लेबल जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट हैं जब भी मैं कोई भी एक एज ड्राइव कर रहा हूं तो उनके लेबल जो है वो मेरे अलग अलग हैं ठीक है इसके अलावा अब मैं कौन कौन से बचा रह गया फोर कैन डिवाइड ट्वेल्व एंड सिक्स कैन डिवाइड ट्वेल्व तो फोर जो है वो ट्वेल्व को डिवाइड कर सकता है ट्वेल्व मेरा ये आ गया और सिक्स कैन डिवाइड ट्वेल्व तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी इस हैश डायग्राम को ड्रॉ कर सकता हूं ठीक है सिमिलरली एक ये सबसेट का रिलेशन है कि यहाँ पर मैंने एक रिलेशन जो मेरे पास सेट है वो पावर सेट ऑफ ए बी सी है और इसके करोस्पॉन्डिंग पहले मैंने एक ये पावर सेट कैलकुलेट किया इस पावर सेट के अकॉर्डिंग जो भी मेरा रिलेशन बन सकता था इस सबसेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हुए वो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख लिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो मेरी इस सबसेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं अब इसके करोस्पॉन्डिंग जब मैं मुझे डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्सीबिलिटी की प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो फाइव इज ए सबसेट ऑफ फाइव ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी ये जो जितने भी पेयर्स लिखे हुए हैं वो रिफ्लेक्स वाले पेयर लिखे हुए हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पे फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी फाइव इज ए सबसेट ऑफ सी फाइव के साथ किस किस मेरे ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट बन सकता है ये लिखा हुआ है और इसके बाद ए और बी सी के करस्पोर्डिंग जो मेरे सबसेट के रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो लिखे हुए हैं और उसके बाद ए बी का बी सी का और ए सी का जो पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं ये लिखे हुए हैं तो इस टोटल रिलेशन में सारे पेयर्स लिखे हुए हैं सारे जो भी मेरी एक्स सबसेट ऑफ वाई इस टाइप के जितने भी पेयर बन सकते थे वो सारे लिखे हुए हैं तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव वाले पेयर को रिमूव करना है जब मुझे इस रिलेशन को हेस डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव पेयर्स को रिमूव करना है तो रिफ्लेक्सिव पेयर के अकॉर्डिंग मैं ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर दूंगा उसके बाद मुझे ट्रांजिटिव एच को रिमूव करना है तो पहले मुझे ट्रांजिटिव एच फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो ट्रांजिटिव एच जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैं कह रहा हूं कि फाई का रिलेशन ए से है ठीक है और ए का रिलेशन ए बी से है फाइ का रिलेशन जो है वो ए से है ए का रिलेशन ए बी से है इसका मतलब क्या है फाइ इज रिलेटेड टू ए बी तो ये मेरे पास एक रिडंडेंट एज है ठीक है इसके बाद फाइ का रिलेशन अगर ए से है और ए का रिलेशन ए सी से है तो फाइ का रिलेशन किससे होना चाहिए ए सी से होना चाहिए तो ये मेरे पास एक ट्रांजिटिव एज है इसे मैं रिमूव करूंगा फाइ का रिलेशन ए से है और ए का रिलेशन ए बी से है तो फाइ का रिलेशन ए बी सी से होना चाहिए ये भी मेरे पास क्या है एक रिडेंडेंट एज है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा बी का रिलेशन ए बी से है फाइ का रिलेशन बी से है बी का रिलेशन ए बी से है तो फाई का रिलेशन ए बी से होना चाहिए इसको मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूं फाइक का रिलेशन बी से है बी का रिलेशन बीसी से है ठीक है तो का रिलेशन बीसी से होना चाहिए तो मेरे पास ये भी एज जो है वो रिडेंडेंट है इसे भी रिमूव कर देंगे इसके बाद यहां से देखोगे आप कि एक का रिलेशन ए बी से है ए बी का रिलेशन ए बी सी से है ठीक है तो इसका मतलब क्या है ए का रिलेशन ए बी सी से होना चाहिए ये रिडेंडेंट एज है इसको रिमूव करूंगा सिमिलरली बी का रिलेशन ए बी सी से है ए बी से है और ए बी का रिलेशन ए बी सी से है तो बी का रिलेशन ए बी सी से होगा ये रिडेंडेंट एज है सिमिलरली सी का रिलेशन ए सी से है और ए सी का रिलेशन ए बी सी से है तो ये एज जो है वो रिडेंडेंट है तो इस टाइप से जितनी भी मेरे पास रिडेंडेंट एज है उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा जब मैं रिमूव कर दूंगा तो ये जो एलिमेंट मेरे पास बचेंगे वो उन सबको मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो डायग्राम जो है वो किस तरीके से आएगा मेरा ठीक है फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए तो यहां पे ये ए फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ सी ये वाले जो पेयर्स मेरे रह गए हैं जो ये वाले पेयर्स रह गए हैं मेरे उसके ये आ जाएगा एज ए सबसेट ऑफ ए बी बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी तो ये वाली जो दो लाइन मेरी जो है वो इधर से आएंगी बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी सी इज सबसेट ऑफ बी सी वो यहाँ से आ जाएगा इन दोनों के करोस्पोंडिंग ए और सी के करोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मेरे यहाँ पर आ रहा है तो ये कौन सा आएगा ए कामर्स सी और यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट से ए बी ए सी और बी सी ए बी ए सी और बी सी जो मेरे ये पॉइंट्स हैं ये मेरे किसके सबसेट हैं ए बी सी के सबसेट ऑफ ए बी सी इज ए सबसे बी सी ये फाइनली मेरे पास जो एजेस हैं है और उसको जब मैं डायग्राम में लेके आऊंगा तो वो डायग्राम जो है वो मेरा कुछ इस टाइप का आएगा ठीक है इसके अलावा जो भी मैं हम डायग्राम बना रहे हैं डायग्राम में इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं एक मैक्सिमल एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो जनरली मुझे टॉप पर मिलते हैं और उसके डेफिनेशन क्या है इन ए पोस्ट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट एक पोसेट में ऐसे एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो यह एलिमेंट मुझे कहाँ पर मिलेंगे हमेशा मैक्सीमल एलिमेंट वाले जो टॉप लेवल पर हैं मेरे ठीक है तो टॉप लेवल में टॉप लेवल पर ऐसे एलिमेंट जिनका ऊपर किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है उसको मैं कहता हूँ मैक्सीमल एलिमेंट इसी तरीके से बॉटम पर मेरे एलिमेंट ऐसे हैं जिन जिनका किसी भी नीचे उसके एलिमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं मिनिमल एलिमेंट तो यहां पर देखो ये मेरे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग 12, 20 और 25 जो हैं इनका इसके ऊपर डायग्राम में हैज डायग्राम में इनके ऊपर मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इनको हम क्या कहते हैं मैक्सिमल एलिमेंट और यहाँ पे टू और फाइव जो है वो मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट हैं जिनका इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जिनका मेरा इनके साथ रिलेशन है तो ये जो है वो मेरा क्या है मिनिमल एलिमेंट्स इसी तरीके से ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स मेरे एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट ये दोनों चीज़ें है, यूनिक हैं और ये केवल एक ही होने चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट मेरा कब होता है जो टॉप पर एलिमेंट है और वो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ अगर उन सब का रिलेशन है तो उस एलिमेंट को मैं मैक्सिमम एलिमेंट कहता हूँ और एक एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट जो मेरा बॉटम लेवल पर है और उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं और उन सभी से उसका रिलेशन है तो मैं उसे क्या कहता हूँ मिनिमम एलिमेंट तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है क्योंकि एक कोई सा भी ऐसा यूनिक एलिमेंट नहीं है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट से रिलेशन बना रहा हो इसी तरीके से नीचे यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक भी यूनिक एलिमेंट नहीं है जिसके साथ मुझे एक यूनिक नंबर मिल रहा हो और वो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट भी कर रहा हो यहां पर एक फिगर से मैं अगर मैं आप बताऊं आपको कि अगर इस एलिमेंट को ले लेते हो और ये सपोज करो कि मैं इसको यहां पर डिस्क्राइब करता हूं यहां पर ये टॉप जो एलिमेंट है सपोज करो इसका नाम ए बी सी डी ई एफ है तो यहाँ पे इसके करोस्पॉडिंग मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो टॉप पर होते हैं तो ए हो गया ठीक है क्योंकि इसका ऊपर इससे कोई रिलेशन नहीं है मिनिमल एलिमेंट बॉटम पर होगा और बॉटम के नीचे इस बॉटम के नीचे इसके नीचे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एफ से रिलेशन हो तो ये मेरा मिनिमल हो गया यहां पर इस केस में एक ए ऐसा एलिमेंट है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है ए का बी से भी है डी से भी है एफ से भी है ए का सी से भी है ई e से भी है एफ से है। सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन है तो ये जो है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट भी है और एक सिंगल यूनिक एलिमेंट भी है और यहां पर अगर मिनिमम की मैं बात करूं तो ये यहां पे एफ एलिमेंट जो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है सभी एलिमेंट्स के साथ इसका रिलेशन है ऊपर जाने पर तो एफ जो है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट हो गया इस तरीके से एक और यहाँ पर देखते हो कि मैक्सिमम एलिमेंट सपोज करो ए और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है सपोज करो ये बी सी डी और ई e, ये एलिमेंट है तो ए जो है वो मेरा मैक्सिमल एलिमेंट है जो टॉप एलिमेंट है इसका इसके ऊपर किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है डी और ई e मेरे मिनिमल एलिमेंट हैं ठीक है ऊपर ए एक ऐसा एलिमेंट है जो नीचे जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है सभी एलिमेंट के लिए एक पाथ अवेलेबल है तो यहाँ पे ए जो है वो मेरा मैक् मैक्सिमम एलिमेंट है और नीचे मेरा कोई भी मिनिमल में से कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऊपर एक सिंगल यूनिक एलिमेंट मेरा ऐसा नहीं है जो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे ये जो है वो क्या रहेगा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सिमिलरली इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ए बी सी डी और ई e है तो मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो ए कॉमा बी है इसमें मिनिमल जो है वो कौन सा है ई e, मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जो फाइव रहेगा और नीचे मिनिमम एलिमेंट जो है वो कौन सा है ई e, वो सभी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ऊपर जाने पर ठीक है एक ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं ए बी सी डी ई और एफ तो दैट मीन्स यहां पर टॉप में एलिमेंट कौन सा है ए मिनिमल कौन सा होगा एफ मैक्सिमम कौन सा है ए सभी से एलिमेंट से नीचे जाने पर कनेक्टेड है और एफ जो है वो ऊपर जाने पर सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है तो एफ जो है वो कौन सा होगा मिनिमम एलिमेंट तो ये जो है वो पोसेट अगर ड्रॉ किया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये पोसेट एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट मीन्स के एक तो हमने हैश डाइग्राम देखा और हैश डाइग्राम के करोस्पॉन्डिंग ये कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए थैंक यू थैंक यू सो मच